देखिए, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें ये कामयाबी बख्शी। उसके बाद पुंछ हवेली आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने भारी वोटों के साथ 20,000 की लीड से हमें यहाँ जिताया। और उसके बाद तमाम अपने साथी जो हमारे साथ हैं, जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे दोस्त, ये सब मैं समझता हूँ ये उन सब की मिलके जो है ये जीत में मुबारकबाद, जो आज मुझे आप मुबारकबाद दे रहे हैं उनकी भी मुबारक के हकदार हैं, उनको भी ये मुबारक देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये जीत जो है नफ़रत के ख़िलाफ़ जीत है। और वो ताकतें जिन्होंने अलग अलग प्रोपेगेंडे चलाए, रातों को इधर उधर गाड़ियाँ घुमाई, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर सिपाही जो गाँव के किसी कोने में, वो अकेला निहत्ता रात को निकला, दिन को निकला, उसने वोट मांगे, वर्कर्स ने चले, तो मैं समझता हूं कि ये कामयाबी उन सब की है। और इस कामयाबी के बाद मैं तमाम अपने साथियों से गुजारिश करूंगा कि आगे जो आने वाले 5 साल हैं उसमें भी वो मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करें और उनके साथ को साथ, मेरा ये उनसे पहले उन सबको साथ लेके हमने चलना है ताकि पुंछ की सारी मुश्किलात जो हैं वो दूर हो सकें और हमें कामयाबी हो। जहाँ जहाँ भी मैंने वादे किए या मेरे किसी भी साथी ने वादे किए, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा उन वादों को पूरा करने की। और इंशाल्लाह हमने पहले भी वादे पूरे किए हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। देखिए, उनके तमाम मसाइल तो इंशाल्लाह हम हल ज़रूर करेंगे लोगों के, और साथ साथ हमारी पहली कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर को उसकी पहचान वापस दिलाना, और उसके लिए हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है। मैं समझता हूँ उस लड़ाई के लिए जो है हमारे तमाम साथियों को तैयार रहना चाहिए। चलो